बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुर्ते का बहुत अच्छा डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाना शुरू करते हैं। ऊपर से सारी कटिंग मैंने कर ली है, अब इसका गला तैयार कर लूँगी। चेपी है मेरे पास, आप बुकरम ले सकते हैं। 4.5 इंच ये खुली है। लेंथ में जितनी आपको गले की लेंथ चाहिए उतना रखकर निशान लगा लेना है। मैंने 8 इंच पर रखकर निशान लगा लिया है। कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाया है। गुलाई में रखकर मैं गला कट कर दूंगी। आप चाहें तो गला वी बना सकते हैं या फिर कोई डिज़ाइन बना लें। अब इसके हिसाब से मैं कमीज़ की फ्रंट साइड के ऊपर निशान लगा लूँगी। इसके ऊपर मैं लेसेस लगाऊंगी। आप चाहें तो कपड़ा लगा सकते हैं 2 से 3 रंगों का जोड़कर। एक लेस मैं इसके दरमियान में लगाऊंगी। ये निशान मैंने 15 इंच पर रखकर लगाया है। अब 2 से 2.5 इंच का साइड से फासला छोड़ना है, क्योंकि मेरे पास जो लेस है वो थोड़ी सी चौड़ाई में है। सेंटर में मैं डबल लगाऊंगी। नीचे से आप चाहें तो चौरस कर सकते हैं। मैंने वी कर लिया है नीचे से। अब इस निशान के हिसाब से मैं लेस लगा लूंगी। ये चौड़ाई में लेस है, आप चाहें तो इस तरह की लेस दरमियान में लगा सकते हैं। ये वाली लेस मैं दरमियान में लगाऊंगी। एक निशान मैं इसकी साइड पर लगा लूँगी। इनके अंदर जो फासला छोड़ना है वो इक्वल होना चाहिए। ऊपर से जितना मैंने गला लगाना है उतनी लेस छोड़ दी है। नीचे से ये 7 से 8 इंच का पीस है। डबल करके लगा लूँगी मैं। अब इसके साइडों पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो हैंड स्टिच कर सकते हैं इस तरह की लेस के ऊपर। ऊपर से जितना गला रखना है उतना छोड़ते हुए अब ये वाली लेस मैं अटैच कर लूँगी इसके साइडों पर। इसकी जो कॉर्नर है इधर से मैं लेस को फोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लूँगी। नीचे की साइड से अंदर की तरफ ज़्यादा फोल्ड करना है। एक सिलाई लग गई है, अब मैं दूसरी लगा लूँगी इसके किनारे किनारे पर। जो मैंने गला कट किया था अलग कपड़े के ऊपर उसे पेस्ट कर लूँगी। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए इसे कट कर लूँगी। अब अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब इसके साइडों पर सिलाई लगाते हुए चेपी के साथ साथ अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। 4 से 5 कट लगा लेने हैं इसके दरमियान में ताकि इजीली ये सीधा हो जाए। अब जितना फासला मैंने ये दोनों लेसों के दरमियान छोड़ा है इतना ही इसके दरमियान में छोड़ना है और अटैच कर दूंगी ये वाली लेस।
एक सिलाई मैंने किनारे पर रखकर लगाई थी ऊपर की तरफ, और इधर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह की लेस के ऊपर किनारे पर हैंड स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से लेस लगानी थोड़ी सी मुश्किल है। अब इसी तरह से मैं बाकी सारी सिलाई लगा लूँगी, इसके बाजू अटैच कर लूँगी और साड़ी कमीज नीचे से तैयार कर लेनी है। कमीज साड़ी तैयार हो गई है। इसके बाजुओं पर दो रंगों का पीस लगाया है। ऊपर की साइड पर जिस तरह का कमीज का कलर है उसी कलर का लगाया है। आप चाहें तो दरमियान में रख सकते हैं कमीज वाला कलर। एक रंग का पीस नीचे घेरे पर लगाया है, आप चाहें तो दो रंगों का लगा सकते हैं। नीचे की तरफ इसके पाइपिंग लगाई है, आप चाहें तो इसके चाकू पर भी लैस लगा सकते हैं जिस तरह की घेरे पर लगाई है लैस। ये डिज़ाइन कुर्ते के ऊपर बनाया है, आप चाहें तो फ्रॉक के ऊपर बना सकते हैं। और ये लटकन लगाया है इसके गले के दरमियान में। स्लीव्स के आगे पीस ज़्यादा चौड़ाई में रखकर लगाया है, आप चाहें तो बारीक बारीक रखकर लगा लें। पूरे बाजू के ऊपर इस तरह से 7 से 8 पीसेस लगा लें दो रंगों के।